हेलो गाइस, वेलकम टू द एजीमेंट न्यूज। तो गाइस, अभी एवेंजर 4 से रिलेटेड काफी कमाल का अपडेट आया है, और वो अपडेट है एक थोड़ा सा एक इंटरव्यू के दौरान। तो अभी हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि बैंडेट कमबैच का अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ, और उनसे पूछा गया कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद होगा क्या। एक्चुअल में फैंस को थोड़ी आप हिंट दे सकते हो और उन्हें समझा सकते हो एक छोटी सी बातों में। तो उन्होंने बोला कि एवेंजर 4 वर्ल्ड की एक ऐसी पहली मूवी हो सकती है जो कि सुपरहिट के साथ साथ एक हार्ट टचिंग मूवी होगी। सिर्फ उन्होंने ये वर्ड बोला, हार्ट टचिंग। तो हार्ट टचिंग का कहने का उनका मींस था कि इस मूवी में कुछ कैरेक्टर मर भी सकते हैं, जिंदा भी हो सकते हैं, देन इसकी स्टोरी तो काफी कमाल की होगी, और देन ये मूवी इतनी एक्साइटेड होगी और इसकी जो जर्नी होगी वो हर एक एवेंजर्स के लिए, लाइफ के लिए और फैंस के लिए दिलों में छा जाएगी। तो इस मूवी को आप एक हार्ट टचिंग मूवी कह सकते हो, और देन इसकी अगर एंडिंग की बात करें तो आप रो भी सकते हो, क्योंकि कुछ कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि थॉर है, कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर मरता है तो वो आपको लाइफ टाइम आपके दिल में छा जाएगा, क्योंकि अभी तक मार्वल स्टूडियो में 10 इयर्स में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं आया है जो कि आपके दिल तक नहीं छुला। सिर्फ यही 3 कैरेक्टर आपके दिल से छुले हुए हैं बहुत ही ज्यादा। तो उनका मानना ये है कि अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर मरता है एवेंजर 4 में तो आपके लिए वो हार्ट टचिंग होगा, और इसकी एंडिंग इतनी लाजवाब होने वाली है कि फैंस अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते। तो ये सब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सच हो, और देन आशा करते हैं कि ये मूवी और भी सुपर हिट जाए। तो गाइज, आपका क्या कहना है उनके इस इंटरव्यू से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देन गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।